वैसे तो जसप्रीत बुमराह तेज़ तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बूम बूम बुमराह, इन्हें तेज़ गेंदबाज के रूप में जाना जाता है और इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इन्होंने इस बार जो रिकॉर्ड बनाया है ना बॉस, वो सबसे आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, वो बनाया बैटिंग में, और उनका स्माइल बड़ा ज़बरदस्त था जब सिराज और बुमराह खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है एक ही ओवर में 35 रन। जी हाँ, एक ओवर में 35 रन बने हैं, वो भी टेस्ट मैच में, जिसमें बुमराह ने 31 रन बनाए, उसमें से जो दो छक्के शामिल थे, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा रन मिले। तो बुमराह ने जो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी है और एक एक अलग ही और पहचान बनाई है उन्होंने एक क्रिकेटर के रूप में। मतलब कि वो 2020 में तो कभी कभी अच्छे जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही लेते हैं, लेकिन इस मैच में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। और ये जो रिकॉर्ड बना है ना, वो कोई छोटे मोटे बॉलर के ख़िलाफ़ नहीं बना है, ये रिकॉर्ड बना है दुनिया के सबसे बेस्ट टेस्ट बॉलर में से एक, स्टीवर्ट ब्रॉड के ख़िलाफ़। जी हाँ, स्टीवर्ट ब्रॉड वही है जिनके एक ओवर में 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने। भाई क्रिस ब्रॉड भी सोचते होंगे आखिर मैं ही क्यों यार, मुझे ही तुम लोग क्यों शिकार बनाते हो, वो तो वनडे में बनाए थे, लेकिन ये तो टेस्ट मैच में भी बजा रहे, इनके नाम रिकॉर्ड हो गया और वो भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड, वो भी 35 रन का, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में ये। और इसमें जो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो भी ऑलरेडी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इसके अंदर 2 सेंचुरी ऑलरेडी इंडिया की तरफ से लग गई, एक ऋषभ पंत ने बनाई और एक बनाई है रविंदर जडेजा ने, और उसके बाद में फिर बाद में धुआंधार जो बल्लेबाजी करी वो थी जसप्रीत बुमराह, और ये शानदार रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। तो वेल डन बूम बूम बुमराह एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर लिया है और 400 प्लस का जो है स्कोर यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पे उनके हारने के चांसेस तो ख़त्म ही हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या इंडिया ये मैच जीतेगा या ड्रॉ होता है। तो देखते रहिए हमारे चैनल पर, आइए, वेलकम टू माई चैनल ट्रेंड।